हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। आज हम 10th क्लास से ट्राइंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एनसीईआरटी से। जैसा कि आपको देखा है, फिगर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। मैंने फिगर बना दिया, आपसे क्या बोल रहा है गिवन में, एवी पैरेलल टू पीक्यू। जो ये एवी है वो इस पीक्यू के पैरेलल है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एसी पैरेलल टू पीआर, एसी पीआर के पैरेलल है। और आपको प्रूफ करवा रहा है कि प्रूफ कीजिए बीसी जो है ये वाला वो क्यूआर के पैरेलल होगा, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले गिवन क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एबी पैरेलल टू पीक्यू, और दूसरी चीज हमें दी है एसी पैरेलल टू पीआर, ठीक। क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि बीसी पैरेलल होगा क्यूआर के, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने यहां पे लिख दिया, अब प्रूफ देखेंगे। चलिए जल्दी से देखेंगे पैरेलल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, थ्योरम लगेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको इन ट्राइंगल ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा। पहले क्या दिया, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। जरा ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल टू पी क्यू ये रही, ये किस ट्राइंगल में आ रही है, पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में देखें आप, पी ओ क्यू में आपको क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। कहां से आया, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा है, आपको पता है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ओबी अपॉन क्यूबी, ओबी अपॉन क्यूबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओए अपॉन एपी, ओए अपॉन एपी बाय बीपीटी, इक्वेशन नंबर वन। कोई परेशानी, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, अगेन इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में देखूं, एसी पैरेलल टू पीआर है। एसी पैरेलल टू पीआर किस ट्राइंगल में मिल रही है, पी ओ आर, ठीक है। देख लीजिए आराम से, इन ट्राइंगल पी ओ आर इसी में तो मिल रही है। क्या मिल रहा है, एसी पैरेलल टू पीआर, एसी पैरेलल टू पीआर कहां से आया, गिवन, ठीक। उसके बाद अगर ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, यहां से इसके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP, OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP बाय BPT, इक्वेशन नंबर टू। BPT से इसके साइड्स के रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर टू डाल दिया। अब आप ध्यान से देखिए, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OA अपॉन AP, ये दोनों RHS दोनों सेम आ रहे हैं तो इनके LHS भी इक्वल होंगे। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक। देखिए OB अपॉन QB इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आ गया। अब आप ध्यान से देखो, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये आ रहा है। आपको ये पैरेलल प्रूव करनी है कि बीसी क्यू आर के पैरेलल होगा। आप ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल के अंदर, ओ क्यू आर के अंदर आपको ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, साइड्स के रेशियो इक्वल मिल रहा है। ओ क्यू आर के अंदर ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, साइड्स के रेशियो इक्वल मिल रहा है। और अगर किसी ट्राइंगल में साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब बीसी पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से वो लाइन इसके पैरेलल होगी, यानी कि बीसी जो है क्यूआर के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये था इसका प्रूफ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।